इनकलाब इनकलाब वंदे वंदे। कोने कोने से आए हुए हजारों हजारों की संख्या में आज यहां मौजूद सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता दिल से, इतना मैं भाव विभोर हूं। इतने घंटों से आप लोग इतनी तपती धूप में पसीना पसीना होके मेरा इंतजार कर रहे हो, आप सब लोगों को मेरा नमन। और इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं, जितने हजारों हजार लोग यहां मौजूद हैं, इससे दुगने तुगने बाहर सड़कों पे अभी आ रहे हैं। मैं अभी आ रहा था, कई लोग आ रहे हैं रास्ते में, कई लोग बाहर मौजूद हैं, उन सब लोगों को मेरा प्रणाम, सबको मेरा नमन। मेरे को सबसे अच्छा तब लगता है जब लोग मेरे को हरियाणा का लाल बोलते हैं। हरियाणा मेरी जन्मभूमि है और जन्मभूमि मां के समान होती है। मां का कर्जा आदमी सात जन्म में भी नहीं चुका सकता, जन्मभूमि का कर्जा आदमी सात जन्म में भी नहीं चुका सकता। आज मुझे बेहद खुशी है अपनी जन्मभूमि में कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में आज यहां पे आपके बीच में आके। सबसे पहले अभी बता रहे थे कि कल तूफान आया था, यह शुभ संकेत है। कह रहे हैं तूफान पंजाब से आया था। बता रहे हैं तूफान दिल्ली से आया था। तो हरियाणा में तूफान आने वाला है और बड़ा तूफान आने वाला है। और जब ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है तो तूफान ही आता है। ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी तो तूफान से घबराने की बात नहीं है। बड़ा शुभ लक्षण है कि कल तूफान आया था। सबसे पहले मैं हरियाणा के सारे किसानों को बधाई देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हरियाणा के और पंजाब के किसानों ने मिलके जिस तरह से इतनी अहंकारी सरकार को झुका दिया, एक साल तक आंदोलन किया, एक साल तक 36 बिरादरियों ने मिलके, सारे धर्म के लोगों ने मिलके एक साल तक सिंघू बॉर्डर पे जमे रहे। इनको लगता था इतनी बारिश आएगी, धूप थी, बारिश थी, ठंड थी, गर्मी थी, लेकिन किसान हटे नहीं। अंत पंत में सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े दोस्तों। कहते हैं ना, अहंकार तो रावण का भी नहीं बन चलता। इनको घमंड हो गया था कि इनके सामने किसी की नहीं चलेगी। तो दोस्तों, त्रेता युग में रामचंद्र जी ने रावण का घमंड तोड़ा था, द्वापर युग में कृष्ण जी ने कंस का घमंड तोड़ा था, और कलयुग में किसानों ने भाजपाइयों का घमंड तोड़ा था। मैं सारे किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, मैं सीधा साधा छोरा हूं। मने काम करना आवे, मेरे ते कितना ही काम करा लो। दिल्ली में हमने स्कूल ठीक कर दिए, सरकारी स्कूल।
पंजाब ते पंजाबियों दा परछावा पंजाबी साडियां बावां एबीपी सांझा हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1939 ते एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो एबीपी सांझा जोश जज्बा जुनून